नमस्कार व्यूअर्स एंड लिसनर्स, सुष्मिता'स क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप आनंद पूर्वक अपना दिन बिता रहे होंगे। आज की मेरी प्रस्तुति है पाखी की कहानी का पांचवा अध्याय, वह दृश्य। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। तो शुरू करती हूँ पाखी की कहानी का पांचवा अध्याय, वह दृश्य। शांति निकेतन में रहने वाली ऊपर वाली ताई जी का नाम था गीता दत्त, जिसका उन्हें बहुत गर्व था। वो एक स्थूलाकाय खुश मिजाज महिला थी। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। उन्होंने उस मकान में रहने वाले सारे बच्चों के उनकी आदतों के अनुसार अलग अलग नाम रखे हुए थे। ऐसा ही नाम उन्होंने पाखी का भी रखा था। वो पाखी को फूचू और उसके भाई को पेंचू नाम से पुकारती थी। पाखी को उनके घर जाना बहुत अच्छा लगता था। शाम को पढ़ाई खत्म करके वो दोनों भाई बहन उनके घर खेलने चले जाते थे। उन्हें अपने घर वापस आने की याद ही नहीं आती जब तक उनकी माँ उन्हें न पुकारती। ताई जी के कोई बच्चे नहीं थे। वे फूचू और पेचू को भरपूर प्यार देती। फूचू उनके साथ रसोई में बैठकर कितनी ही बातें करती। पेचू ताऊ जी के पास उनके कमरे में कितनी ही शैतानियां करता, कितने मासूम प्रश्न पूछता। ताई जी जब रोटी बेलती थी तो फूचू को देखकर बड़ा आश्चर्य होता कि वो दो लोई से एक साथ दो रोटियां कैसे बेल लेती है। उधर उसका भाई ताऊ जी के पीठ के मसों को देखकर आश्चर्य होकर उनसे पूछने पर वो बताते कि वो उनकी अमूल्य संपत्ति है। आज भी वो बचपन की बातें याद करके उनके मुखों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ताई जी की दिनचर्या थी कि वो सुबह सुबह अपना काम निपटाकर नहा धोकर बड़ी बिंदी लगाकर अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती थी और सब चीजों का नजारा लेती रहती थी। उन्होंने अपने घर तोता पाला हुआ था, कुत्ता पाला हुआ था तथा हौदे में मछलियां भी पाली हुई थी। छोटे बच्चों को ये सभी चीजें बहुत आकर्षित करती थी। ताई जी एक तरफ तो उन्हें बहुत प्यार करती थी, पर उनके हर छोटी से छोटी बात की शिकायत उनके माता पिता से कर देती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। बच्चे भी बड़े होने लगे और ताई जी भी बीमार रहने लगी। अब उनके होम टाउन से एक महिला जो उनकी कोई दूर की रिश्तेदार थी अपने छोटे से बेटे को लेकर वहां आकर रहने लगी, जो ताई जी की सेवा भी करती थी तथा उनका घर भी संभालती थी। अब फूचू और पेचू का उनके घर धीरे धीरे जाना कम होने लगा। एक रविवार के दिन फूचू और पेचू अपने माता पिता के साथ पास के शहर में घूमने गए हुए थे। देर रात को जब वो घर लौटे तो ताई जी की सीढ़ियों के दरवाजे पर नीम की पत्तियां पड़ी देखी और पानी फैला हुआ दिखा, जो अपने आप में उस दुखद समाचार को बयान कर रहा था। वह मार्मिक दृश्य पाखी के अंतर्मन के किसी कोने में अभी भी विद्यमान है। ऐसे ही कितने ही यादें व्यक्ति के मनस पटल पर अंकित हो जाती हैं। कुछ दुखद होती हैं तो कुछ सुखद भी, जिनको व्यक्ति आजीवन वहन करता है। पाखी के अंतर्मन की एक अभूतपूर्ण घटना इस प्रकार है। वे कभी कभी शनिवार को माता जी के साथ उनकी सहेली के घर घूमने जाते थे। जहां माता जी और उनके परिवार के लोग वार्तालाप में व्यस्त हो जाते, वहीं पाखी और उसका भाई उन भैया के साथ खेलने में। पर वो खेल बहुत अद्भुत होता था। वो भैया उनके साथ प्लैंचेट का खेल खेलते थे। वो लोग कमरे की बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाकर उसके आसपास बैठ जाते थे, फिर एक लंबे बाल में एक हल्की सी अंगूठी डालकर उसे मोमबत्ती के पास लटकाते, फिर भूत को आह्वान करते थे। वो तरह तरह के प्रश्न पूछते। यदि अंगूठी हिलती तो हाँ मानी जाती और नहीं हिलती तो ना। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।